नमस्कार मित्रों, आज हम अपनी क्लास में देखेंगे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 के कंप्लीट नोट्स, हैंड नोट्स। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल है 342,239 वर्ग किलोमीटर। तीन लाख बयालीस हजार 239 किलोमीटर है। और राजस्थान को 7 संभागों में और जिलों में 33 जिलों में विभाजित किया गया है। इसके बाद में देखते हैं कि कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है, कौन कौन से जिले आते हैं। तो जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। कौन कौन सा आता है? जयपुर आता है, दौसा आता है, सीकर, अलवर और झुंझुनू आता है। इसके बाद में जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। अजमेर संभाग में भी 4 जिले आते हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, टोंक अजमेर संभाग में आता है और नागौर। कोटा संभाग में 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जिसको हाड़ौती क्षेत्र भी कहते हैं। और उदयपुर संभाग में भी 6 जिले आते हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इसके बाद में आगे देखते हैं भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में भी 4 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इसके बाद में आगे देखते हैं यूनिट 2, मरु प्रदेश किसे कहते हैं? तो मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। जंगल प्रदेश की राजधानी अइच्छत्रपुर नागौर थी। मत्स्य जो जनपद था उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसकी राजधानी विराटनगर, जो वर्तमान विराटनगर बेरार थी। इसका वर्णन हेन स्यांग चीनी जो यात्री था उसने भी किया है। बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक जनपद का उल्लेख हुआ है। अर्जुनायन जाति भरतपुर और अलवर क्षेत्र में पाई जाती थी। मालव, मालव शक्ति का प्रमुख केंद्र जयपुर के निकट निकट वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। मालवों की दिग्विजय का उल्लेख नांदसा यूप अभिलेख में मिलता है, जो कि भीलवाड़ा से मिला है। आगे देखते हैं हाड़ौती। हाड़ौती प्राचीन काल में मीणा जनजाति का आधिपत्य रहा था यहाँ पे। यूनिट थ्री में किसी की प्रशंसा में लिखे गए लेख प्रशस्ति कहलाते हैं। गठियाला अभिलेख से प्रतिहारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बिजोलिया से चौहानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विश्वेश्वरनाथ रेवकृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, विश्वेश्वरनाथ रेव ने मारवाड़ राज्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। यूनिट 4 कालीबंगा। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कांस्य के दर्पण मिले हैं, हाथी दांत का कंघा मिला है, गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं। आहड़ या धूलकोट जो कि उदयपुर में है, संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिले हैं। भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, तांबा पिघलाया जाता था यहाँ पे, और तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है, 6 मुद्राएं प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं बालाथल जो कि उदयपुर में है, ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। आहड़ उदयपुर से तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है और बालाथल से लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। केवल बेराट जो जयपुर वाला है और बालाथल में बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी यहाँ पे और जीविका के साधन कृषि, पशुपालन और आखेट थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति, ताम्र उपकरण, मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। बेराट से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है। 8 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें स्वास्थ्य हुआ है और नाश्ता हुआ पक्षी के साक्ष्य भी बेराट से मिले हैं। आगे देखते हैं भीलवाड़ा।
से बागोर और ओझियाना सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, जयपुर से सांभर और जोधपुरा के साक्ष्य मिले हैं, टोंक में नगर और रेड है, चित्तौड़गढ़ में नगरी है, तो भरतपुर में नोहा स्थान है वहाँ से साक्ष्य मिले हैं, और जालौर में भीनमाल से मिले हैं, राजसमंद में पचमाता और गिलुंड सभ्यता थी। बक्सी किसे कहते थे? जो मुगल काल के अंतर्गत सेना से संबंधित कार्य करते थे उन्हें बक्सी कहते थे। खनजाची राजकोष में वृद्धि करना और आमदनी व खर्च में संतुलन करना इसका कार्य था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 में हुए थे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल जी थे, जो कि 1952 में थे राजस्थान के। आगे देखते हैं, यूनिट सिक्स में थार का मरुस्थल, जो कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का यूनिट है। इसमें थार के मरुस्थल में 12 जिले आते हैं, 61% भूभाग आता है और 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वत, इसमें 9% भाग आता है और इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है कुल, जो कि राजस्थान में 550 किलोमीटर है। राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है और इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 किलोमीटर है, जो कि सिरोही में स्थित है। अब आगे चलते हैं, पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में 23% भाग आता है और 40% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक उपजाऊ है और सर्वाधिक जनसंख्या भी यहीं पर निवास करती है। दक्षिण पूर्वी पठार या जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, 7% जनसंख्या पाई जाती है और 7% भूभाग है और 10% जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पे काली मिट्टी भी पाई जाती है। सिरोही में आबू और उड़िया का पठार है। राजसमंद से उदयपुर के बीच में भोराट का पठार है। चित्तौड़गढ़ मेसा और उपरमाल के पठार पर बना हुआ है। उदयपुर व प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार है, जो कि उदयपुर के अंदर पिछोला झील के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। आगे देखते हैं, राज्य में 5 प्रकार की जलवायु दशाएं प्राप्त हुई है। इनमें से अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी, जो कि उत्तरी पूर्वी भूभाग से या उत्तरी पूर्वी दिशा से आती है, उससे प्राप्त होती है। पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत मावट या पश्चिम विक्षोभ से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। अब चलते हैं यूनिट 7, घग्गर बाणगंगा कांतली साबी रूपारेल मेंढा आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। चंबल एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। इसकी सहायक नदियां बेड़च कोठारी बनास आदि है। बनास की लंबाई 480 किलोमीटर है। राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी है बनास नदी। लूनी कच्छ की खाड़ी में विलीन होती है। इसकी सहायक नदियां जोजड़ी बांडी जवाई खारी सुकड़ी सागी और गुहिया है। माही नदी खंबात की खाड़ी में विलीन होती है। बाकी चलते हैं बाण गंगा, जिसे रुंडित नदी भी कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। आगे चलते हैं टांका। पश्चिमी राजस्थान में घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना है। खडीन कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। जोहड़ वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु निर्मित किया जाता है, जो कि सेकावटी क्षेत्र में किया जाता है। आगे चलते हैं क्लास 7, ये देखो, राजस्थान राज्य परिवहन RSRTC राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 10 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुई। सबसे लंबा NH-15 था, जो कि जिसका नाम बदल गया है अभी प्रेजेंट टाइम में, और सबसे छोटा 71B था। राजस्थान का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर में है। पश्चिमी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर स्थित है। पहली रेलगाड़ी अप्रैल 1874 से आगरा बांदीकुई दौसा तक चली थी। राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में है और सर्वाधिक घनत्व है वो बाड़मेर में है। आगे देखते हैं
हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर में लगता है, जिसकी शुरुआत 1899 में फतेह सिंह ने शुरुआत की थी। बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को लगता है डूंगरपुर में। पंचपीर में गोगा, रामदेव, पाबूजी, हड़बूजी, मिहाजी आते हैं। ऊँटों के देवता पाबूजी हैं। जाम्बोजी विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। जसनाथ जी करचियासर बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। लकड़ी से निर्मित खिलौने और कठपुतली निर्माण उदयपुर में सर्वाधिक होता है। थेवा कला प्रतापगढ़ की है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में है और न्यूनतम चूरू में है। राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राज्य पुष्प रोहिड़ा है। पालतू श्रेणी में राज्य पशु ऊँट है। सेवन घास जैसलमेर में पाई जाती है। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। तालाब शाही भी धौलपुर में है। काजरी और आफरी जोधपुर में है। ये संस्थान है। आगे देखते हैं। राजस्थान का वोलेस्टोनाइट जास्पर सीसा जस्ता में एकाधिकार है। देवारी उदयपुर में जस्ता शोध संयंत्र है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोध संयंत्र स्थित है। कोयले की चार श्रेणियां होती है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। चार प्रकार का होता है, जिसमें से उत्तम किस्म का जो होता है वो एंथ्रेसाइट होता है और राज्य में जो पाया जाता है वो है लिग्नाइट। आगे देखते हैं। राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ गंगानगर में है। छबड़ा 12 में कोयले पर आधारित ताप विद्युत क्षेत्र की स्थापना हुई है। बाड़मेर गिरल में लिग्नाइट ताप विद्युत क्षेत्र है। मक्का मेवाड़ में सर्वाधिक होती है। अंता 12 में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह जो कि प्रथम है गैस पर आधारित। देश का दूसरा परमाणु विद्युत क्षेत्र रावतवाड़ा चित्तौड़गढ़ में है और भड़ला जोधपुर में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क की स्थापना की गई है जो कि हाल ही में की गई है। बाजरा राज्य का प्रमुख खाद्यान्न है जो भारत में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है और सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है और वाटरमैन राजेंद्र सिंह जी हैं। आगे देखते हैं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में होती है। जीरा मंडी जोधपुर में है। धनिया और मेथी मंडी रामगंज कोटा में है। राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में ब्यावर में स्थापित हुई। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग है। प्रथम सूती वस्त्र उद्योग है। कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की है, यूनिट 6। अब आ गया इतिहास। पृथ्वीराज चौहान, इसका कार्यकाल 1177 से 1192 को रहा। पिता इसके सोमेश्वर थे और माता का नाम कर्पूरी देवी था। दरबारी विद्यापति गौड़, वागपति वागीश्वर जयानक थे। विश्व रूप जनार्दन चंद्रवरदाई और पृथ्वी भट्ट थे। चंद्रवरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम पृथ्वीराज रासो ग्रंथ था। बताए मालदेव का काल 1532 से 1562 तक था। राव गंगा के पुत्र थे। मारवाड़ का सूर्य युग इनका काल रहा था। सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोखरण दुर्ग का इन्होंने निर्माण करवाया था। फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को हसमत वाला शासक कहा है। किसने कहा है? फारसी इतिहासकारों ने मालदेव के लिए कहा है। आगे देखते हैं। महाराणा कुंभा का कार्यकाल 1433 से 1468 तक रहा है। जन्म 1477 में चित्तौड़गढ़ में हुआ। व्यक्तित्व में कटार कलम और कला का त्रिवेणी संगम मिलता है। मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णयुग था। अचलगढ़, बसंती दुर्ग, भोमट और मचान दुर्ग का इन्होंने निर्माण करवाया। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसकि कविवर श्यामल दास ने कहा था कि महाराणा कुंभा ने 84 में से मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। आगे देखते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ थे संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुर प्रबंध। और इन्होंने दो टीकाएं लिखी है, रसिक प्रिया पर और चंडी सतक पर टीकाएं लिखी है। अब आ जाता है बीकानेर का राय सिंह, जिसका कार्यकाल
1574 से 1612 तक रहा। राजपूताने का कर्ण कहलाता है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई। और ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ किसने लिखा था? तो राय सिंह ने लिखा था ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ। आगे देखते हैं, मिर्जा राजा जय सिंह, जिसका कार्यकाल 1621 से 1667 तक था। शाहजहाँ ने 1639 में मिर्जा की उपाधि दी। राज कवि बिहारी इनके दरबार में थे। 1662 में बिहारी सतसई लिखी। राम कवि ने जय सिंह चरित्र की रचना की। आगे देखते हैं, महाराजा राज सिंह प्रथम मेवाड़ के 1652 से 1680 तक इनका कार्यकाल रहा। पिता जगत सिंह थे। देश का दूसरा सबसे बड़ा शिलालेख है राज सिंह राज प्रशस्ति, जिसको रणछोड़ भट्ट ने लिखा। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। उदयपुर में अम्बा माता के मंदिर में लिखा हुआ है। उदयपुर के अम्बा माता का मंदिर का निर्माण भी राज सिंह ने प्रथम ने करवाया था। आगे देखते हैं, सवाई जय सिंह जयपुर वाला, जिसकी कार्यकाल 1699 से 1743 तक रहा। सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी। आमेर से जयपुर को राजधानी बनाया। 1725 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी के नाम से जे जे मोहम्मद सही रखा। ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ इनके काल में लिखा गया। अब आ जाता है सूरजमल, जो कि धौलपुर के थे। इनका कार्यकाल 1755 से 1763 तक था। पिता बदन सिंह थे। दरबारी कविवर सुदन और अखेराम गर्ग थे। आगे देखते हैं, भीलवाड़ा जो किसान आंदोलन था, बिजोलिया कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। और बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1911 तीन चरणों में चला। पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन था। धाकड़ जाति के किसानों द्वारा आरंभ किया गया। कृष्ण सिंह के समय 84 प्रकार की लागतें थी। चंवरीकर कृष्ण सिंह ने लगाया था। तलवारबंदी जो करता हुआ पृथ्वी सिंह ने लगाया था। विजय सिंह पथिक ने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। इसमें शामिल महिलाएं अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा का योगदान रहा था। अलवर किसान आंदोलन 1921 में स्टार्ट होता है। जंगली सूरों के कारण फसल के खराब होने के कारण स्टार्ट हुआ। किसानों ने आंदोलन किया। निमुंचाना कांड का संबंध भी अलवर किसान आंदोलन से है। गांधी जी ने जिसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। उसके बाद में सिक्कर किसान आंदोलन में कृष्ण सिंह ने लगान में वृद्धि की, जिसके कारण ये सिक्कर किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमंस में की गई। प्रमुख नेता थे इसके हरलाल सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा और नेत्राम सिंह। अब आगे चलता है एकी या भील आंदोलन या भगत आंदोलन। इसकी स्थापना गोविंद गुरु ने स्टार्ट किया था। समसभा की स्थापना कर दी 1803 में। 1913 में मानगढ़ हत्याकांड हो गया। आदिवासियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत जी थे। 11 सूत्री मांग पत्र या मेवाड़ की पुकार का संबंध भी इससे है। 18 प्रकार की जिनमें से मांगे स्वीकार हो गई। अब चलते हैं मीणा जनजाति आंदोलन में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 में आया था। 1952 में जयराम पेशा कानून समाप्त हो गया था। प्रजामंडल आंदोलन, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन 1934 का था। जयनारायण व्यास ने स्टार्ट किया था। अध्यक्ष इसके भंवरलाल सराफ जी थे। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद गठित हुई, जिसके अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी को बनाया गया। जयपुर 1931 में कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज ने इसकी स्थापना की। राज्य का प्रथम प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल। इसका पुनर्गठन 1936 में हुआ। प्रथम अधिवेशन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ।
मेवाड़ प्रजामंडल इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई। इसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया। बीकानेर 1936 वेदराम मैगे वैद्य मघाराम लक्ष्मणदास गट्टानी का संबंध था। कोटा में हाड़ोती प्रजामंडल था जो पंडित नैनराम ने स्थापना की थी। आगे देखते हैं, सती प्रथा 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से समाप्त हुई। विलियम बेंटिक ने इसे गैरकानूनी घोषित किया। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में सती प्रथा निषेध कानून पारित हुआ। कहाँ पे हुआ? जयपुर में। कोटा में कन्यावध गैरकानूनी घोषित हुआ सर्वप्रथम। बाल विवाह का संबंध दयानंद सरस्वती से आता है। 1903 में अलवर बाल विवाह निषेध कानून पारित हुआ। कहाँ पे हुआ? 1903 में अलवर में। दास प्रथा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त हुई। डायन प्रथा मेवाड़ तक कोटा में चलती थी। 1953 में इसको गैरकानूनी घोषित किया गया। में संविधान सभा का गठन हुआ। 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। सर वीटी कृष्णामाचारी तमिलनाडु के थे जिनका संबंध जयपुर से था। सी एस वेंकटाचारी कर्नाटक के थे जिनका संबंध जोधपुर से था। सरदार के एम पणिकर केरल के थे जिनका संबंध बीकानेर से था। और सरदार सी विजया राघवाचार्य का संबंध उदयपुर से था। ये तमिलनाडु के थे। माणिक्यलाल वर्मा जी ने एक गीत लिखा था पंछीड़ा, लोकप्रिय गीत। 1948 में वृद्ध राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। बलवंत सिंह मेहता का संबंध उदयपुर से था। संविधान सभा में सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? तो वो बलवंत सिंह मेहता जी थे। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग है। आगे देखते हैं, राजस्थान में प्रथम रेल 1874 में आगरा फोर्ट से बांदीकुई दौसा के बीच चली। मेट्रो रेल की शुरुआत 3 जून 2015 से जयपुर में स्टार्ट हुई। कपिलेश्वर मेला कोलायत बीकानेर में, कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर में है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। श्री महावीर जी करौली के हैं। राज्य पर्यटन विकास निगम RTDC का मुख्यालय जयपुर में है और मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। किसान कलेवा योजना किसानों को गुणवत्तापूर्ण आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। आयुष्मान भारत योजना में कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाया जाता है। साझा अभियान बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना इससे संबंधित है। अटल भूजल योजना सामुदायिक सहयोग से के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। राजस्थान जन आधार कार्ड योजना 2019 में स्टार्ट होती है। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 में स्टार्ट की तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। राजस्थान में भूदान आंदोलन की शुरुआत नागौर से हुई है और ग्रामदान अधिनियम 1971 है। राजस्व मंडल अजमेर में है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का है। एक्ट 1917 अस्पृश्यता का मंडल अधिनियम अनुच्छेद 17 में है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 का है। राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ जिसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005 में बना भारत सरकार द्वारा।
राजीव गांधी किशोरी सशस्त्रीकरण योजना सबला, जिसको सबला के नाम से भी जानते हैं, 11 से 18 वर्ष विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के लिए संचालित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 में स्टार्ट हुआ, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने की। हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम 1956 का है, संशोधन जिसमें 2005 में हुआ। दहेज निषेध अधिनियम 1961 का है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925 का है, जिसमें 2 बार संशोधन हो गया, 1986 में और 2006 में। स्वीप कार्यक्रम के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं, एक तो सूची मतदान और एक सूचित मतदान। सूची मतदान में निष्पक्ष व नीति परक मतदान किया जाता है, और सूचित मतदान में जागरूकता के साथ मतदान होता है। 2000 में राज्य सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला प्रथम राज्य बना। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बनाया था। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 नंबर है, जिस पे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्राम पंचायत के प्रत्येक माह कम से कम 2 बैठकें आवश्यक होती है। 1 महीने में सामान्यतः 3 महीने में ग्राम सभा की 1 बैठक बुलाई जानी आवश्यक है, जो कि 4 वर्ष में 4 बार होती है, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। राज्य का प्रथम ग्राम न्यायालय बस्सी जयपुर में खोला गया है। नगर पालिका में 15,000 से 1 लाख तक जनसंख्या होती है, वहाँ पर नगर पालिका की स्थापना की जाती है। इसका अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। नगर परिषद 1 लाख से 5 लाख तक अध्यक्ष सभापति कहलाता है। नगर निगम 5 लाख से प्लस 5 लाख प्लस आबादी होनी चाहिए और सालाना आय 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। इसका अध्यक्ष मेयर या महापौर कहलाता है। खाई बनाकर उसमें पानी भरना पारिक कहलाता है। बूंदी दुर्ग 1354 में राव बरसिंह द्वारा निर्मित था। लोहागढ़ भरतपुर का निर्माण सूरजमल जाट ने बनवाया था, जो कि अजय दुर्ग कहलाता है। जालोर दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजा धारावर्ष और मुंज द्वारा किया गया। इसमें 4 दरवाजे हैं। सोनग्रह चौहानों का शौर्य का प्रतीक है जालोर का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग 7वीं सदी में निर्मित हुआ है। मत्स्यकार पहाड़ी पर स्थित है। इसके 7 प्रवेश द्वार हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया, जिसका शिल्पी मंडन था। 1458 में बनकर तैयार हुआ। दुर्ग में नीलकंठ महादेव का मंदिर, झाली बाव बावड़ी, मामादेव का कुंड, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक बना हुआ है। आगे चलते हैं, आमेर दुर्ग के जो प्रवेश द्वार का जो प्रथम गेट है, वहाँ पर उसको गणेश बोल कहते हैं, प्रवेश द्वार है। यहाँ पर शिला माता का मंदिर बना हुआ है। गागरोन दुर्ग काली और आहूस के संगम पर है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। जगदीश मंदिर उदयपुर में है। ऋषभ देव का मंदिर उदयपुर में है। चारभुजा नाथ का मंदिर गढ़बोर में राजसमंद में है। कमलेश्वर महादेव का मंदिर बूंदी में है। सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में है। ओशिया वर्माण सिरोही झालरापाटन चित्तौड़ आदि में सूर्य की प्रतिमाएं देखी जा सकती है। सूर्य मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। सेठों की छतरी रामगढ़ में है। ईश्वर सिंह की छतरी गेटोर जयपुर में है और बड़ा बाग जैसलमेर में है। चित्रकला जयपुर और अलवर में हरे रंग का प्रयोग होता है। जोधपुर और बीकानेर में पीला रंग की प्रधानता है। उदयपुर में लाल रंग की प्रधानता है और कोटा में नीला रंग की प्रधानता है। किशनगढ़ में सफ़ेद और गुलाबी रंग की प्रधानता है तथा बूंदी में सुनहरे रंगों का विशेष प्रयोग किया जाता है। मतलब सुनहरे रंगों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वो बूंदी में किया जाता है।
आगे देखते हैं, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। सर्वप्रथम 1711 में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप बूंदी में 22 अप्रैल 1734 में किया गया। हुड़डा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में हुआ। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। पेशवा बाजीराव की माता राधाबाई 1735 में राजस्थान आई थी। ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ था, दो युद्ध हुए थे, राजमहल का युद्ध और बगरू का युद्ध। ईश्वर सिंह ने राजमहल के युद्ध को जीता और माधो सिंह ने बगरू के युद्ध में हासिल की। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ पार्थिक्य की संधि की। अंतिम रियासत सिरोही थी जिसने 1823 में संधि पर हस्ताक्षर किया। खिराज भूमिकर था और चौथ एक सुरक्षा कर था। अठारह में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई। 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन हुआ। की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। मेवाड़ में मेजर सावर्स थे, मारवाड़ में मेक मौसम जी थे, जयपुर में ईडन, कोटा में बर्टन। 1857 में राजस्थान के जी पैट्रिक लॉरेंस थे। नसीराबाद अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था। कब किया था? 28 मई 1857 को विद्रोह किया, जिसमें मेजर स्टोपिस और न्यूब्रे की हत्या कर दी। नीमच जो कि ग्वालियर में था, यहाँ पर मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी, जिसने 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह किया। एरिनपुरा पाली में थी, जहाँ पर जोधपुर लीजियन के सैनिक थे। और हाँ, नीमच में जो मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी, जिसने छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड था और सावर्स ने पुनः अधिकार किया था नीमच में। एरिनपुरा पाली जोधपुर लीजियन 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ। किसने किया? मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में किया। और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। देवली टोंक में कोटा रेजिमेंट स्थापित थी और ब्यावर में अजमेर में मेर रेजिमेंट स्थापित थी। खेरवाड़ा उदयपुर में भील रेजिमेंट थी। आउवा पाली 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें कैप्टन हितकोट और तख्त सिंह एक तरफ थे और दूसरी तरफ कुशाल सिंह के मध्य हुआ। 18 सितंबर 1857 को मेक मोशन की हत्या करके उसके सिर को आउवा के किले पर लटका दिया गया। ब्रिगेडियर होम्स ने जनवरी 1857 में आउवा के किले पर अधिकार कर लिया। कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को हुई। लाला जयदयाल और मेहराब अली खां के नेतृत्व में सबसे सुनियंत्रित क्रांति कोटा की थी। वहाँ पर बर्टन का सिर काटा गया। राम सिंह द्वितीय को कोटा दुर्ग में कैद किया गया। जून 1858 तक अधिकांश रियासतों पर अंग्रेजों ने पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। राजस्थान एकीकरण की शुरुआत सर्वप्रथम 1939 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के आदेश से शुरू हुई। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के महाराव भीम सिंह ने किया। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। देखते हैं पहला चरण। मत्स्य संघ, जिसकी स्थापना 17 या 18 मार्च 1948 को हुई, जिसमें अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर थी। राजधानी अलवर थी। राजप्रमुख धौलपुर के थे। उदयपो महान सिंह। प्रधानमंत्री शुभारम्भ कुमाऊ थे।
राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, किशनगढ़ लावा ठिकाना ईटीसी, राजधानी इसकी कोटा थी, राज प्रमुख कोटा के भीम सिंह थे, प्रधानमंत्री को गुलाल असावा थे। संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर शामिल कर लिया गया राजस्थान संघ में। इसके राज प्रमुख भोपाल सिंह मेवाड़ के थे, पीएम प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा थे, उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया। वृहद राजस्थान जिसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई, बीकानेर जैसलमेर जोधपुर और जयपुर को मिलाकर 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसका राज प्रमुख जयपुर के मान सिंह द्वितीय थे, प्रधानमंत्री हिलाल शास्त्री थे, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह थे और उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल ने किया था। छठा चरण पांचवा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान था। 15 मई 1949 को वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ को मिलाया गया, नीमराणा ठिकाने को मिलाया गया। छठवां चरण राजस्थान 26 जनवरी 1950 को आबू प्लस देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को मिलाया गया। सातवां चरण राजस्थान 1 नवंबर 1956 आबू प्लस देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा प्लस मंदसौर एमपी को के सुनील टप्पा को मिलाया गया और झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र एमपी को दिया गया। राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ है। भारत की कुल आबादी का 5.7% भाग रखता है। जनसंख्या की वृद्धि दर 2011 की 21.31% है। सर्वाधिक बाड़मेर की है 32.5%, न्यूनतम गंगानगर की 10%। जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, न्यूनतम जैसलमेर का है। पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति है। लिंगानुपात 2011 के अनुसार 928 है, 0-6 वर्ग में 888 है। सर्वाधिक डूंगरपुर में 994 है, न्यूनतम धौलपुर में 846 है। साक्षरता 16.11% 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा की है 76.6%, उसके बाद में जयपुर की आती है। न्यूनतम जालौर की है 54.9%। पुरुष साक्षरता 79.19%, महिला साक्षरता 52.12% है। पुरुष व महिला दोनों की सर्वाधिक पुरुष व महिला दोनों सर्वाधिक साक्षरता दर झुंझुनू और कोटा में है, न्यूनतम प्रतापगढ़ और जालौर में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा में है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या डूंगरपुर में है। 13.5% राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या परसेंट है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है, मीणा जनजाति सर्वाधिक जयपुर में है। भील बारवाड़ा बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ सिरोही में है। डामोर डूंगरपुर सिमलवाड़ा क्षेत्र में है, गरासिया सिरोही में है। सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। सहरिया एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया, मुख्यतः शाहबाद व किशनगढ़ बारा में पाई जाती है। उद्योग राजस्थान के प्रमुख उद्योग जैसलमेर की बर्डी, बीकानेर का कंबल, जैसलमेर व जोधपुर में मेरीना खादी प्रसिद्ध है। रिको द्वारा फूड पार्क अलवर जोधपुर कोटा और श्रीगंगानगर में है, जयपुर में नहीं है। राज्य में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है, देश का 90%। मीनाकारी तथा हाथी दांत के आभूषण जयपुर में है, जयपुर के प्रसिद्ध है। सु
सूती वस्त्र उद्योग राज्य का सबसे प्राचीनतम उद्योग है। प्रथम मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1879 में ब्यावर में इसकी स्थापना हुई। हनुमानगढ़, गंगानगर तथा गुलाबपुरा भीलवाड़ा को मिलाकर सहकारी मिलों की स्थापना की गई। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिपनिंग मिल संघ लिमिटेड स्पिन फेड की स्थापना की गई। प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी का है। सीमेंट उत्पादन में अग्रणी जिला चित्तौड़गढ़ का है, जिसे सीमेंट का सीमेंट जिला भी कहते हैं। बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़ की है। मंगलम सीमेंट कोटा की है। जेके वाइट सीमेंट नागौर की है। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ की है। श्री सीमेंट ब्यावर की है। प्रथम शक्कर मिल की स्थापना 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में की गई है, कि जो कि निजी श्रेणी की है। सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में है। आगे देखते हैं अजय राज चौहान 1133 में अजमेर नगर को बसाया। अर्णोराज आता है। अर्णोराज ने आनासागर झील बुस्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद विग्रहराज चतुर्थ आता है, जिसने दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। विग्रहराज नाटक लिखा, जो कि जनक भट्ट ने लिखा, और हरिकल्ली पर नाटक विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक गोविंदराज, जो कि पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, को माना जाता है 1194। अलाउद्दीन ने हम्मीर के सेनापति या सेना नायक रणमल और रतिपाल को मिलाया, दुर्ग का लालच दिया, रंगदेवी के नेतृत्व में जोहर हुआ। जालौर के चौहानों का संस्थापक कीर्तिपाल सोनग्रा था। जालौर का नाम जलालाबाद रखा गया। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर कब्जा किया, नाम खेराबाद रखा, और इसका प्रतिनिधि कमालुद्दीन गुर्ग को नियुक्त किया। आगे देखते हैं राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना भगत को दिया जाता है। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना भगत को दिया जाता है। और अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अलवर की स्थापना प्रताप सिंह ने की थी। अलवर का किला हसन खान मेवाती ने बनवाया था। आगे देखते हैं आबू में विमल शाह ने आदिनाथ मंदिर तथा वास्तुपाल तेजपाल द्वारा नेमिनाथ मंदिर बनवाया गया। करौली की स्थापना अर्जुन सिंह ने की थी। यहाँ पर कबीर साहब की दरगाह स्थित है। किशनगढ़ की स्थापना 1609 में किशन सिंह द्वारा की गई। फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में है। शांतिनाथ का जैन मंदिर झालरा पाटन झालावाड़ में है। और राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से 17 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, इंग्लैंड से दुगुना और नॉर्वे, पोलैंड और इटली से बड़ा है। आगे देखते हैं थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल में राजस्थान के 12 जिले आते हैं। अरावली पर्वतमाला का विस्तार खेड़ बर्मा गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक है।
1692 किलोमीटर है, राजस्थान में 550 किलोमीटर है। दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है देखते हैं। पहली है गुरु शिखर, पहली है गुरु शिखर 1722 मीटर, दूसरी है शेर 1597 मीटर, तीसरी है देलवाड़ा 1442 किलोमीटर, चौथी है जरगा 1431 मीटर, पांचवी अचलगढ़ से 1380 मीटर, आबू 1295 मीटर, कुंभलगढ़ 1224 मीटर, ऋषभदेव 1017 मीटर, कमलनाथ 1001 मीटर और सज्जनगढ़ 938 मीटर और लीलागढ़ 874 मीटर है। मध्यवर्ती अरावली की प्रमुख चोटियां तारागढ़ 870 या 73 मीटर है और नागभाड़ 795 मीटर है। मध्यवर्ती अरावली में कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं या दर्रे हैं, तो दर्रे हैं बर परवेरिया, शिवपुर घाट, पुरा घाट, देबारी। और उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां हैं रघुनाथगढ़ सिक्कर 1055 मीटर ऊंची है, खो जयपुर 920 मीटर है, बैराट 892 मीटर जयपुर वाली है। प्रमुख नदियां चंबल नदी सबसे लंबी नदी है, एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। सहायक इसकी बनास, पार्वती, काली सिंध, बेड़च, कोठारी, पार्वती और मेज है। बनास पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, इसके सहायक मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी है। काली सिंध देवास मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, जिसकी सहायक नदियां परवन, उजाड़, निमाज और आहू है। लूणी इसकी सहायक नदियां जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी और गुहिया है। अंतर्प्रवाही की नदियां गग्गर नदी है, कांतली नदी खंडेला सिक्कर से निकलती है, कांकने नदी जैसलमेर की है, साबी सेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ हरियाणा में विलुप्त हो जाती है। जैसलमंद या डेवर झील उदयपुर में है, नवलखा झील बूंदी में है, तालाब शाही धौलपुर में भी है और जोधपुर में भी है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है, जो कि पूर्वी राजस्थान में होती है। मावट पश्चिमी विक्षोभ से सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को होता है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की कला और संस्कृति। राज प्रशस्ति संस्कृत की है, रणछोड़ भट्ट ने लिखा था। मारवाड़ का जसवंत सिंह ने भाषा भूषण आनंद विलास लिखा। मान सिंह ने नाथ चरित्र लिखा। जैन शैली के साहित्य में इनमें शांत रस की प्रधानता होती है। देसी नाममाला हेमचंद्र सूरी ने लिखी। नल दमयंती रास ऋषिवर्धन सूरी ने लिखी। रात्रि भोजन रास धर्म समुद्रगणी ने लिखी। हेम रत्न सूरी गोरा बादल की चौपाई लिखी। चारण शैली का साहित्य वीर रस व श्रृंगार रस की प्रधानता है। बादर दाढ़ीकृत वीर भयण चारण शैली की प्रारंभिक रचना है। फड़चित्रण श्रीलाल जोशी भीलवाड़ा पद्मश्री से सम्मानित। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है और लालगढ़ बीकानेर में है। बच्छावतों की हवेली बीकानेर में है, कर्ण सिंह बच्छावत द्वारा निर्मित है। अन्य हवेलियां जो बीकानेर में है, मोहता, मुंदड़ा, रामपुरी हवेलियां बीकानेर में है। सेकावेटवाटी की हवेलियां अपने भीती चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब चलती है चित्रकला। मेवाड़ शैली इसके प्रमुख चित्रकार हैं राजस्थान की चित्रकला। इसमें मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं मनोहर, गंगाराम, क-
कृपाराम, साहिबुद्दीन और जगन्नाथ। इसके प्रमुख विषय हैं श्रीमद् भगवत, सुरसागर, गीत गोविंद, कृष्ण लीला और दरबारी दृश्य। इसके बाद में आती है मारवाड़ सिल। इसके प्रमुख चित्रकार हैं वीर जी, नारायण दास भाटी, अमरदास, किशन दास, कालूराम। इसके प्रमुख विषय हैं नाथ चरित्र, भागवत, पंचतंत्र। पंचतंत्र मारवाड़ शैली से संबंधित है। ढोला मारू, मुमलदे और निहालदे। इसके बाद में बीकानेर शैली। इसके प्रमुख विषय रसिक प्रिया, रागवाला और श्रृंगारिक आख्यान। जयपुर शैली, इसमें मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। चित्र शाही सवारी, महफिलें, बारहमासा और गीत गोविंद है। बूंदी शैली पशु पक्षियों की शैली है। इसके प्रमुख विषय हैं नायक नायिका भेद, ऋतु वर्णन, रसिक प्रिया और बिहारी सतसई। कोटा शैली के प्रमुख चित्र शिकार, उत्सव, श्रीनाथ कथा, पशु और पशु पक्षी चित्रण। गैर नृत्य मेवाड़ में किया जाता है, गरबा डूंगरपुर बांसवाड़ा में, अंगारा नृत्य जसनाथ जी के किया जाता है, राय नृत्य भील जनजाति करती है और वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति करती है। पोथीखाना जयपुर में है, मानसिंह पुस्तक प्रकाश जोधपुर में है और सरस्वती भंडार उदयपुर में है। आगे देखते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में, जयपुर मेट्रो की स्थापना 1 जून 2015 में। अंता 12 विद्युत परियोजना गैस आधारित परियोजना है और 21 जनवरी 1985 को राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा की स्थापना 1985 में हुई। अगस्त 2002 में रेडा का राज्य अक्षय ऊर्जा निगम में विलय हो गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है, जिसका उद्गम हरि के बेरोज बांध पंजाब से होता है। पांचना बांध करौली में है। पांच नदियों का संगम है होता है और कौन कौन सी पांच नदियां हैं, वह है बरखेड़ा, भद्रावती, भेसावट, अत्ता और माची है। ये मिट्टी निर्मित बांध है। मानसी वकल परियोजना उदयपुर की है और लालसोट दौसा में मोरेल बांध बंधा हुआ है। मानसी वकल परियोजना उदयपुर की है। वनस्पति घी का सर्वप्रथम कारखाना 1964 में भीलवाड़ा में खोला गया। राज्य का सबसे बड़ा सहज सीतापुरा जयपुर में है। हरित राजस्थान अभियान का प्रारंभ 18 जून 2009 को किया गया। शिक्षा संपूर्ण जयपुर से किया गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978-79 का है। निर्धनता उन्मूलन इसका सर्वोच्च या सर्वोपरि कार्यक्रम है। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 का केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू हुआ। और स्वर्ण संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001 को स्टार्ट हुई केंद्र सरकार द्वारा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना दिसंबर 1997, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999, गंगा कल्याण योजना 1997 में शुरू हुई, जिसे 2015 में नाम परिवर्तन करके दीनदयाल अन्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन किया गया। अपना गांव अपना काम योजना जनवरी 1961 में शुरुआत हुई। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1995-96 में स्टार्ट हुआ। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1987-88 में स्टार्ट हुआ। मनरेगा अधिनियम 2005 में पारित हुआ। शुभारंभ मनमोहन सिंह द्वारा 2 फरवरी 2006 में
अनंतपुर आंध्र प्रदेश से हुआ। 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया। 2 अक्टूबर 2009 को नाम परिवर्तन करके मनरेगा किया गया। वर्तमान में कम से कम 125 दिन का रोजगार दिया जाता है, किसमें? महात्मा गांधी रोजगार योजना में, मतलब मनरेगा में। आगे देखते हैं, राज्य में लोक प्रशासन मत्स्य संघ का नाम के एम मुंशी ने रखा। विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां हैं। एक्ट 155 राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है। 156 राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। 163 राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित है और 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। राजस्व मंडल अजमेर में है। संपूर्ण राज्य को पुलिस प्रशासन की दृष्टि से 8 रेंजों में विभाजित किया गया है। पुलिस के आंतरिक प्रशासन की दृष्टि से 38 जिलों में बांटा गया है। ग्रामीण प्रशासन एक संवैधानिक निकाय है जिसमें 29 विषय ग्रामीण क्षेत्र में और 18 विषय शहरी नगरीय निकायों को दिए गए हैं। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है। ग्राम सभा की एक वर्ष में 4 बैठकें हो सकती है, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को। इसमें पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है पंचायती राज चुनावों में। आगे देखते हैं, चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से तालाब हैं? वानकिया, मुरालिया और सेनापानी तालाब चित्तौड़गढ़ में है। बूंदी में कीर्तिमोरी, बलडा और हिंडोली तालाब बूंदी में है। करौली में नागतलाई, जुग्गर, ममचेड़ी, निदर है। जालौर में बांकली और बीठली बांध है। झुंझुनू में अजीत सागर है। दौसा में कालर सागर है। धौलपुर में राम सागर और तालाब शाही है और पाली में सरदार संबंध है। आगे देखते हैं, 1960 में महामंदिर झालरा निर्मित जोधपुर में निर्मित किया गया। मदार जल आने के लिए निर्धारित धरती की सीमा मदार कहलाती है। मंडलगढ़ दुर्ग का निर्माण शाकंभरी चौहानों ने 12वीं शताब्दी में करवाया। सिवाना दुर्ग को कुमटक दुर्ग भी कहते हैं। लोहागढ़ 8 विशाल बुर्ज हैं। मत्स्य संघ का उद्घाटन भी लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। काष्ठ प्रासाद का निर्माण 1936 में राजेंद्र सिंह ने झलावाड़ में करवाया। लकड़ी का महल। वत्सराज ने ओसिया में जोधपुर में महामंदिर का जैन महावीर जी का जैन मंदिर बनवाया। 7 सहेलियों का मंदिर झलावाड़ में है और 7 सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है। ब्रह्मा मंदिर आसोत्रा बाड़मेर में भी है। छत्रविलास बाग कोटा में है। गोपाल सिंह की छतरी करौली में है। सेठों की छतरी रामगढ़ में है। दीवान साहब की दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़ में है और अब्दुल पीर की दरगाह भवानपुरा में है। मीरा साहब की दरगाह बूंदी में है और अब्दुल्ला खां की मकबरा अजमेर में है। अब्दुल्ला खां अजमेर। कबीर साहब की दरगाह करौली में है और गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में है। आगे देखते हैं, हवेली स्थापत्य। बीकानेर में बच्छावतों की हवेली, मोहता, मुंदड़ा और रामपुरिया हवेलियां हैं। नवलगढ़ में पोद्दार और भगेरियों की हवेलियां हैं। बिसाऊ, झुंझुनू, रामनाथ पोद्दार, जयदाल केठिया और सीताराम सिंगतिया की हवेलियां हैं। ढूंढलोद झुंझुनू में लालचंद गोयनका की हवेली। मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ राधाकृष्णन, केसरदेव कानोड़िया की हवेलियां। चिड़ावा झुंझुनू में बागोरियों की हवेली है, बगड़ियों की हवेली है। महेंसर झुंझुनू में सोना चांदी की हवेली कहाँ है? महेंसर झुंझुनू में। श्री माधोपुर सिक्कर में पंसारियों की हवेली है। लक्ष्मणगढ़ सिक्कर में चार चौक की हवेली और चैतराम की हवेली है। रामगढ़ सिक्कर में ताराचंद रुइया की हवेली है
और फतेहगढ़ सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेली है। राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978-79 का है। राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 का है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 का है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999 को स्टार्ट हुई। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000-2001। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000। महिला विकास कार्यक्रम 1984। महिला दशक 1975-85 और 5 सूत्री महिला सशक्ति कार्यक्रम 2011। राज्य महिला आयोग 15 मई 1999 को स्थापना हुई। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम 1997-98 का है। 7 सूत्री कार्यक्रम 2009-10 का है। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005 का है जो 26 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना 1 अप्रैल 2007 को स्टार्ट हुई। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट हुई। नाप तोल मानक संबंधी अधिनियम 1976 का है और प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये हो गए हमारे कक्षा 6 से 9 तक कंप्लीट शॉर्ट नोट्स। लगभग 1 घंटे में अपने पूरा रिवीजन कर लिया है। ऐसे ही क्विक रिवीजन के राजस्थान जीके के क्लासेस देखने के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।